हाँ भाई, इमोट रिवेंज। यार लास्ट टाइम मुझे याद नहीं कि मैंने कब इमोट का बदला लेके सुकून से सांस लिया था। ये देखो 3 महीने पहले की बात है। अब ये क्यों? क्योंकि यार मिस्टर अबू नूबड़ा बन गया दोस्तों, सारे इमोट दिखा के फिर गेम भी जीत जाते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? एक्चुअली में रीजन ये है ना दोस्तों, क्या है रीजन यार मुझे खुद भी नहीं पता। चले तू, चलो जो भी रीजन हो यार, अब तो वक्त आ गया है ना, सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों, वेलकम टू एन अमेजिंग वीडियो। तो दोस्तों यार, इमोट रिवेंज के काफी रीजंस होते हैं। मेरे ख्याल से इस वीडियो का जो रीजन है वो गुस्सा है। अब क्यों, मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली मैं G18 नहीं यूज करता, लेकिन इस दफा मैंने G18 यूज किया एंड हमारे एक में से दूसरा बंदा डाउन होता जा रहा है एंड यहाँ पे मैंने भाई एक को भी ओनली रेड मारे, दूसरे को भी ओनली रेड मारे, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि मैं किस गुस्से की बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे बंदे की आवाज़ें सुन रहा हूँ, वो नीचे से आ रहा है फुल स्पीड में, लेकिन मुझे पता था कि ये सीधा सीधा आएगा, तो मैंने उसको भी ओनली रेड मार के हेडशॉट पे हेडशॉट देके सोलो और स्क्वाड पूरा स्क्वाड उड़ा दिया। अब मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी इन लोगों को गुस्सा चढ़ाऊ के और भाई वी बेजर ने पूरा स्क्वाड उड़ा दिया एंड इसी गुस्से की वजह से इमोट फिर स्टार्ट हो गया। अभी फिलहाल तो नहीं स्टार्ट हुआ, राउंड 1 हम जीते हैं। अब राउंड 2 में मैंने भाई डेजर्ट ईगल ले लिया। डेजर्ट ईगल के हेडशॉट का तो आपको पता है, लेकिन कभी कभी डेजर्ट ईगल का लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, मतलब कि या तो या उसके भी काफी रीजन है। भाई मैं आज आपको बहुत नॉलेज दे रहा हूँ भाई। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। रीजन ये भी हो सकता है कि भाई आप थके हुए हो, आपका फोकस नहीं हो रहा, या आप दोस्तों के साथ गपशप लगा रहे हो। मेरा रीजन तो ये था कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा था ना, बोरियत की वजह से बस मैं रैंडम खेल रहा था। बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है। हमारे फिर से एक बंदा डाउन, या दूसरा बंदा भी डाउन। जैसे ही हमारा राउंड शुरू हो जाता है, हमारे बंदे डाउन पे डाउन शुरू कर देते हैं। यार मैं सक्सेसफुली वहां से तो भाग गया। अबे मुझे हेडशॉट लग गया डायरेक्ट। ये किस प्रो के बच्चे ने इतना गंदा हेडशॉट। अबे यहां पे बंद। अरे ये मैंने मिस कैसे किया। शहजादे भाई ने यार काफी खतरनाक तरीके से हेडशॉट मारा। आई थिंक पहला हेडशॉट भी इसी ने हमें मारा यार। अब उस पहले हेडशॉट से मैं मरा नहीं, उसका एक रीजन है, मेरे साथ वुल्फ्रा करेक्टर है। अब वो खलाई मखलूक जो हर वीडियो में ये कमेंट करते हैं कि भाई ऊपर देखो स्पेक्टेटर्स है स्क्रिप्टेड, तो भाई आप लोग ये सर्च कर लो कि वुल्फ्रा करेक्टर क्या चीज है। मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। मजाक कर रहा हूं। I'm joking. भाई वुल्फ्रा करेक्टर का स्किल है, ऊपर स्पेक्टेटर्स वगैरह ऐड करते हैं। अभी हमारा डेजर्ट ईगल चल गया है भाई, शुक्र है। थोड़ा सुकून मुझे मिला है कि डेजर्ट ईगल का हेडशॉट तो हमने दिया ना। देखो हमारा एक बंदा फिर से डाउन है यार। जैसे ही राउंड स्टार्ट होता है एक बंदा हमारा डाउन हो जाता है। इस बेचारे को कोई रिवाइव ही नहीं दे रहा। चलो मैं ही रिवाइव दे देता हूँ यार, जल्दी 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 हम ये राउंड जीत सकते हैं। वो सिर्फ 2 ही बंदे, हम 4 हो गए भाई। तो मैं पीछे से घूम के, अबे हमारा एक बंदा गया। नहीं भाई जल्दी ना मरो ना यार, यहाँ से मैं घूम के जाऊंगा। देखो ये लोग वहां पे फाइट ले रहे, दूसरा भी गया यार। तो मैं जैसे जाऊंगा यहाँ पे मैं इनको फिर चकमा दूंगा, सबर करो। अबे ये तो पहले से यहाँ खड़ा है। अरे नहीं भाई यार, ये पहले, हाँ ये देखो ना इसका कीड़ा चुलमुल चुलमुल कर रहा है भाई, स्टार्ट हो गया। इसने वो जो पहले राउंड का गुस्सा है ना वो तो निकालना होगा ना कहीं तो वो गुस्सा निकालेगा ना। साले को छोड़ूंगा नहीं। यही से फिर हो जाता है मुकाबला शुरू। तो हो जाए मुकाबला। हमारे अब्बास भाई ने एक बंदे को डाउन कर दिया है। लेट्स सी यार, अब्बास भाई इतना डर रहा है ना दोस्तों, कब से मैं इसे स्पेक्टेट कर रहा हूँ, ये हिल ही नहीं रहा अपनी जगह से। अब जब जोन आ गया है तभी इसने भाई वॉकिंग मतलब रनिंग स्टार्ट कर दी। एंड ये देखो डायरेक्ट ग्लू वॉल लगा ली, मतलब सामने एनिमी को खुला ऐलान कर रहा है भाई कि मेरी पोजीशन ये है, देख लो मुझे मारो भाई। ये कुछ लोग होते हैं यार, कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है यार। या तो मे भी इस बेचारे के साथ डिवाइस बहुत खराब होगा एंड या यार नूबड़ा तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अब बंदे को डाउन भी किया है, 55 लेवल भी है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, खुद अपने आप को फंसा लिया है, जोन तक वेट कर रहा था वो देखो परमानेंट कवर में। एंड इसने ओपन फील्ड में जाके ग्लू वॉल भी पहले इसने जाया की एंड वो देखो फिर से इमोट शुरू। अब मुसीबत ये ना कि हमारे बंदे बहुत ही जल्दी डाउन हो रहे, तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा यार। अब इन लोगों ने इमोट दिखाई दिए तो हमें भी अंदर से गुस्सा खाया जा रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। तू कुछ नहीं कर सकता। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैं ना क्या कर सकता हूँ यार। दोबारा से मैंने डेजर्ट ईगल लिया है दोस्तों, क्योंकि हमने सिर्फ अभी तक एक ही हेडशॉट डेजर्ट ईगल से मारा है। तो वो क्या कहते हैं, वो सुकून, वो सेटिस्फेक्शन, वो तुम लोग उर्दू में क्या कहते हैं, वो चस नहीं आया यार। सही कहा ना मैंने, चस नहीं आया, यही तुम लोग कहते हो ना, मुझे नहीं पता यार। तो वो फीलिंग अभी तक नहीं आया यार, इतना मजा मुझे इमोट दिखा के नहीं आएगा जितना मुझे डेजर्ट ईगल से इनका स्क्वाड उड़ाने में आएगा। तो इसीलिए मैंने दोबारा से डेजर्ट ईगल लिया है। सो लेट्स गो। ऑलराइट गाइस लेट्स सी, सामने बंदे आ रहे, सामने बंदे, फिर से हमारा बंदा डाउन यार। ये क्या मुसीबत है यार। जैसे ही राउंड हो जाता है हमारा बंदा कहता है ठीक है भाई अब मैं चलता हूँ। ठीक है भाई, ओके भाई, ठीक है भाई मैं चलता हूँ। अब दूसरा बंदा डाउन ना हो जाए फिर मुसीबत हो जाएगी यार। अरे नहीं भाई, अब्बास भाई कर क्या रहे हो तुम यार। नहीं अब मुश्किल हो जाएगी, सामने बंदा है डाउन, नाइस। नहीं अबे ये
टीम अप कर रहा है, इसे देखो कौन सा टाइम पहले इतना खतरनाक चैलेंज लिया है भाई, अब टीम अप कर रहा है भाई, ऐसा तो नहीं होता है ना, या तुमने दोस्ती करनी है या दुश्मनी करनी है, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता ना। अब मैं तुम्हारी ऊपर ट्रस्ट करूंगा, तुम्हारा दोस्त मुझे इतना खतरनाक मारेगा ना कि मुझे ना नहीं याद दिलाएगा। सामने बंदा समझो, नाइस शहजादा भाई था, इसी ने मुझे वो पहले राउंड में वन टैप मारा था ना, तो हमने भी भाई अपना बदला पूरा कर दिया। ऑलराइट लेट्स सी, इसको फिनिश कर देते हैं, 2v2 है, हम जीत सकते हैं, लेकिन मैंने अपने बंदे पे डिपेंड नहीं करना। ओ यार क्या ही हेड लगा है, मजा आ गया यार भाई, क्या कर रहे हो सीजन 1 ये देख रहे हो, सुन रहे हो दोस्तों, गुड भाई गुड, हमारे हेडशॉट ने इसका माइक भी खोल दिया भाई, क्या बन गए यार यार भाई पे हमारे ग्रुप में आवाज था, मैं यहाँ पे इतना दिल कर रहा था कि मैं माइक ओपन करूँ, लेकिन यार एक रीजन था उसकी वजह से नहीं ओपन कर पा रहा था। इसकी माँ का भोला चेहरा, मैं तो कुछ और ही समझ रहा था, इतना गंदा आदमी हूँ मैं। देखो भाई देखो, थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच ब्रो। इसको भी अंदर से गुस्सा खाया जा रहा था ना, तो जैसे ही मैंने वो डेजर्ट ईगल का हेड शॉट दिया ना, तो इसको भी उस सुकून मिला, नहीं नहीं सुकून नहीं, वो वर्ड मैं दोबारा यूज करूंगा, इसको भी चस आ गई, या पता नहीं मैं सही यूज कर भी रहा हूँ, कमेंट में बताना कि मैं ये वर्ड सही यूज कर रहा हूँ या नहीं। इमोट रिवेंज का असल मजा तो तब शुरू होता है ना जब दोनों टीमें एक दूसरे को एक दफा इमोट दिखाते हैं, अरे भाई नहीं इस दफा मैं मरा हूँ अपने टीम में, हर एक राउंड में हमारा एक बंदा डाउन होता है ना, तो इस दफा मैं मरा हूँ यार, अरे नहीं 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 जल्दी 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 जल्दी, शुक्र है बस भाई जिंदाबाद, अरे भाई थैंक यू ब्रो, सिर्फ एक ही बंदा रहता है ये राउंड हम लोग जीत सकते हैं यार, मुझे ही मरना है इस बंदे को, मैंने इमोट दिखाना है भाई, मेरे सामने आ जाओ बंदे, क्योंकि मुझे ही इमोट पड़े थे यार शुरू में, तो यार मेरा बनता है ना कि मैं इमोट दिखाऊं, यार बंदा नहीं भाई, लेकिन चलो अभी इमोट दिखा रहते हैं, क्या पता वो हमें स्पेक्टेट कर ले। 3-2 की सिचुएशन हो गई, अगर ये राउंड हम लोग जीत जाए तो हम लोग गेम जीत सकते हैं यार, लेट्स गो। मैंने डबल वुडपेकर एंड रिजल्ट लिया हुआ है, मैंने वन टपटप हेडशॉट मारने हैं, वो है अरे इसने तो जंप भी मारा फिर भी मुझसे बच गया यार, ये कैसे बचा है, लेकिन चलो 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 इस साइड पे गया तो मैं भी इस साइड पे जाऊंगा, इसको मैं ऐसे वन टैप मारूंगा ना, कहां पे छुपा हुआ है, निकल वो वो वो, एक मिनट, ये लो अहमद भाई, सबर सबर सबर, इमोट 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 इमोट, की हाल चाल टिको ना भाग गया, इसको तो मैं सही इमोट से भरता यार, लेकिन चलो, अरे 3-3 सिचुएशन हो गई है, टेंशन ज्यादा हो रहा है, ये हमारा बंदा उस तरफ मरा था ना, हमारा बंदा उस तरफ मरा था, तो मैं भी उस साइड पे जाता हूँ, सबर करो, एक और बंदा हम मार दे तो हम फिर से एडवांटेज पे हो जाएंगे, फिर जीतने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, ये हमारे एक और बंदा मर गया, नाइस 2v2 की सिचुएशन, अरे भाई 1v2 किसी, इसको जरा रिमोट मारता हूँ, हेलो भाई, अरे अरे शिट शिट शिट, अरे नहीं भाई 66, अबे ग्लू कहाँ भाग रहे, ग्लू वाल लगाते हैं यार, यार अब तो किस्सा खराब हो गया दोस्तों, 1v1 की सिचुएशन है यार, मैं नहीं चाहता कि दूसरे राउंड तक गेम चले यार, इससे जिन लोगों से जीत जाए तो बस मजा आ जाए, बहुत सस्पेंस वाला माहौल है, अब ये बंदा मार पाएगा या नहीं, ये अपनी जगह से हिला क्यों यार, खड़े रहते ना मेरी तरह ही, मैं जो और जो रैंडम टीममेट्स है वो भी टेंशन में भाई, ये एक दूसरे से क्या छुप रहे हैं यार, कभी वो घूम के जा रहा है, कभी ये घूम के उधर आ रहा है, आपस में फाइट लो या मारो यार, अभी तक एक दूसरे से गोल गोल घूम रहे हैं, मैंगो मैंगो खेल रहे हैं भाई, बस कर दो भाई, इसके साथ ग्लू वॉल, अरे ये देखो यार इसके साथ ग्लू वॉल था, मुझे फिर क्यों नहीं लगाया, भूल गया होगा, अभी फाइट का टाइम आ गया है, वो भी सामने ये भी सामने एंड जोन भी आ गया है, लेट्स सी लेट्स सी, अरे भाई यानी इसी के साथ हमारा कंप्लीट हो गया बुया विद इमोट रिवेंज। राइट वाली वीडियो पे क्लिक करें दोस्तों, अगर मेरे दूसरे वर्ल्ड रिकॉर्ड रिलेटेड वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करके जाना, एंड विद दैट बीइंग सेड अल्लाह हाफिज़।